अरे ठीक है, नहीं ठीक है सर, एक ही बात है, यहाँ एक ही बात है। आगे सर, निवेदन प्रदेशाध्यक्ष से एवं अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों से कृपया पधारे, भारत माता के आगे दीप। निवेदन कर रहा हूँ कन्हैयाराज सिंह जी से, प्रदेश मंत्री के विश्नोई जी का। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी प्रधान जी, हमारी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी 16 तारीख को बाड़मेर के पचपदरा में आ रहे हैं और यहाँ पर जो बाड़मेर की रिफाइनरी है उसका वो शिलान्यास करेंगे, उसका वो शुभारंभ करेंगे। मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, इस रिफाइनरी के माध्यम से रोजगार मिलेंगे, इस रिफाइनरी के माध्यम से आसपास के पूरे इलाकों में एक आर्थिक क्रांति आएगी, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे क्योंकि रोजगार मिलेगा, रोजगार के माध्यम से आर्थिक दृष्टि मजबूत होगी। इसके बाद रिफाइनरी की कितनी इंसिलरीज हैं, कितना ही लॉजिस्टिक का काम है, हर तरह से काम बढ़ेगा। मैं समझता हूँ पूरे आसपास के इलाके में, पूरे जोधपुर डिवीज़न में एक खुशहाली का माहौल बनेगा और इस रिफाइनरी के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को एक लाभ मिलने वाला है। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको, बाड़मेर रिफाइनरी लगे राजस्थान प्रदेश में, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने 2005 में करी थी। 2005 में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि हम यहाँ पर रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करिए। परंतु उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए केंद्र की सरकार ने उस समय रिफाइनरी लगाने की हमें परमिशन नहीं दी। उसके पश्चात गहलोत जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, परंतु गहलोत साहब 4 वर्षों तक बिल्कुल चुप बैठे रहे, उन्होंने रिफाइनरी की दिशा में कोई काम नहीं किया। जब चुनाव में केवल मात्र 1 वर्ष बाकी रह गया तो आनन फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने राजस्थान प्रदेश में रिफाइनरी लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया। कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई, बिना एक्सपर्ट कमेटी के उन्होंने रिफाइनरी कंपनी के साथ एक MOU साइन किया। उस MOU के तहत जमीन हमारी, तेल हमारा 26% का उनको अपने वो मिलना था। इसके साथ साथ 56,000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार के द्वारा रिफाइनरी कंपनी को देने का एक MOU साइन हुआ। उस MOU के तहत जब ये साइन हुआ तब भी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कि आपने ये जो रिफाइनरी का जो MOU साइन किया है वो राजस्थान के हित में नहीं है, रिफाइनरी लगनी चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं, परंतु रिफाइनरी लगनी चाहिए विन विन सिचुएशन में, जिसमें राजस्थान प्रदेश को भी लाभ हो और रिफाइनरी कंपनी को भी लाभ हो। केवल मात्र सारा का सारा लाभ रिफाइनरी कंपनी ले जाए और राजस्थान प्रदेश केवल मात्र कर्जे में डूब जाए, इस प्रकार का MOU हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हमने तब भी विरोध किया था। उसके बाद चुनाव हुए, हमारी सरकार आ गई। जैसे ही हमारी सरकार हुई तो पहले बजट के भाषण में मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने विधानसभा में कहा था कि राजस्थान प्रदेश में बाड़मेर रिफाइनरी तो लगेगी परंतु हमारी शर्तों पे लगेगी। जो पहले MOU साइन हुआ है वो राजस्थान के हित में नहीं है, हम नया नेगोशिएट करेंगे, उस नए नेगोशिएट के माध्यम से MOU करेंगे और राजस्थान प्रदेश में रिफाइनरी लगाएंगे। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उस एक्सपर्ट कमेटी ने निरंतर रिफाइनरी कंपनी वालों के साथ नेगोशिएट किया, उनको बोला कि आप 56,000 करोड़ रुपए हमारे से क्यों लेना चाहते हो, किस बिना पे लेना चाहते हो, उनके साथ पूरा डिस्कशन किया और मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने खुद उसमें इंटरवीन किया और भगवान ने भी हमारा साथ दिया कि केंद्र में हमारी सरकार बन गई। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वसुंधरा जी का पूरा प्रयास था, वो प्रयास रंग लाए। जो 56,000 करोड़ रुपया गहलोत जी ने राजस्थान सरकार का रिफाइनरी की कंपनी को देने का तय किया था, MOU साइन किया था, आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने उस 56,000 करोड़ को घटा करके केवल मात्र 16,000 पर लेकर के आ गए। इस प्रकार से 40,000 रुपया
राजस्थान सरकार का आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने बचाने का काम किया, राजस्थान प्रदेश की गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा बचाने का काम किया। आज यदि आप उस पर ब्याज की गणना कर लो तो ये 1,57,000 करोड़ का आंकड़ा पहुंचता है। तो गहलोत जी ने तो राजस्थान प्रदेश को 40,000 करोड़ का नुकसान देने का काम किया, 1,57,000 करोड़ के कर्जे में देश को प्रदेश को डुबोने का काम किया। आज हमने विन विन सिचुएशन में एमओयू साइन किया, आज वही एमओयू इस धरातल पर आ रहा है। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, आपने एमओयू तो साइन कर लिया, क्या आपने जमीन एक्वायर कर ली थी, आपने क्या बजट में आपने उसका प्रावधान कर लिया था? खाली राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने राजस्थान प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम कर दिया। हम राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे, हमने सही दिशा में कदम उठाते हुए आज हम रिफाइनरी लगा रहे हैं। आज जमीन एक्वायर होगी, मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान कर दिया, शिलान्यास से पहले ही यहाँ पर काम चालू हो गया। आज हम शिलान्यास भी करेंगे और काम का शुभारंभ भी करेंगे। देखिए, अब आप वहाँ पे पचपद्रा में जाइए, वहाँ अपने वीडियो कैमरे से देखिए क्या वहाँ पर काम नहीं चल रहा। देखिए, जब मैंने पहली बैठक ली थी 30 तारीख को, मैंने पहली बैठक ली थी जोधपुर में, हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे, तो हमने 3 लाख का लक्ष्य हमने दिया था। परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों में, यहाँ की जनता में, हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर थी इस रिफाइनरी को लेकर के, कि जिसकी शुरुआत आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने की, उसका क्रियान्वयन भी उनके ही कार्यकाल में हो रहा है, तो एक उत्साह था। तो मैं समझता हूँ अब ये जो मैंने मीटिंग कल जैसलमेर में मीटिंग करी है, इससे हमारे पहले पदाधिकारी सभी जिलों में घूम करके आए हैं, आज मैंने यहाँ पे बाड़मेर में बैठक की है, तो 3 लाख का आंकड़ा तो खाली बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का ही आ गया। इसके अलावा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर शहर है, जोधपुर देहात है, फलोदी है, पाली है, आपका सिरोही है, जालोर है, खाली इन्हीं जिलों को हमने इसमें शामिल किया, पूरे राजस्थान को हमने इसमें शामिल नहीं किया, खाली इन्हीं जो आसपास के जो जिले हैं खाली उनको ही शामिल करने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक रैली होगी, 3 लाख से बहुत अधिक आंकड़ा होगा। जो आंकड़ा मुझे आज इन्होंने बताया वो तो 5 लाख को छू रहा है, परंतु हम ये मान के चल रहे हैं कि 4-4.5 लाख का आंकड़ा हम यहाँ पर छुएंगे। सर, मानवेंद्र सिंह जी बीच बैठक में उठकर चले जाते हैं, क्या बीजेपी की और उनके साथ संगठन? देखिए, आप ऐसे नकारात्मक सोच मत रखिए, ठीक है? नहीं, आप मेरी मैं आपको बता रहा हूँ। मानवेंद्र जी पहले मेरे पास आए, उन्होंने आधा घंटा बैठ के पूरी चर्चा करी, 10 मिनट यहाँ बैठे, उनका ऑलरेडी एक कार्यक्रम था, जो आज वो पीले चावल बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं, घर घर जाकर के हमारा कार्यकर्ता पीले चावल बांटेगा, तो प्रोग्राम उनका ऑलरेडी तय था, क्योंकि यहाँ पर हम विलंब हो गए थे, हमारा यहाँ कार्यक्रम थोड़ा सा 1.5 घंटा विलंब से चला। तो उन्होंने मेरे से कहा कि साहब मेरी आपसे बातचीत हो गई, सब मेरी बातचीत हो गई, मुझे खाली पीले चावल बांटने वहाँ पे जाना है, घर घर जाना है, तो कार्यक्रम की शुरुआत मुझे करनी है, तो आप मुझे परमिशन दीजिए। मैंने उनको परमिशन दे दी, आप बताइए, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनावी फायदा लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए विकास का काम नहीं करवाती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए जनता के प्रति समर्पित रहती है। हम सत्ता को साधन नहीं मानते, हम सत्ता को साध्य मानते हैं, और उस साध्य के माध्यम से इस राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, मेरी बात सुनिए, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। ये साधन तो केवल मात्र कांग्रेस मानती, कांग्रेस ने आज तक जितने भी निर्णय किए वो हमेशा राजनीतिक निर्णय किए, इस जाति को यहाँ करना है, इस जाति को यहाँ करना है, इस जाति को यहाँ करना है, देश को जातियों में बांटने का काम कांग्रेस ने किया, हमने नहीं किया। हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास, हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, और कांग्रेस जातियों में बांट करके राजनीति करती है। सर, उनका रैली बाड़मेर में हुआ था, हनुमान बेनीवाल जी आके गए और कह के गए मोदी जी की सभा मत जाना, तेजा जी का समय किसमें, मोदी जी की सभा में मत जाना। देखिए, किसी के कहने से जनता रुकने वाली है क्या? आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर चुकी है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 70-75% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और धीरे धीरे कांग्रेस सिमटती जा रही है, कमल का फूल खिलता जा रहा है। तो आप ये मान के चलना, आने वाले समय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी। देखिए, मैं तो राजस्थान
राजस्थान प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में तीसरे मोर्चे के निर्माण की बात सुन रहा हूँ, अभी तक तो तीसरा मोर्चा बना नहीं, और राजस्थान प्रदेश की जनता तीसरे मोर्चे को बर्दाश्त भी नहीं करेगी। राजस्थान प्रदेश की जनता खाली कांग्रेस और भाजपा में सीमित है।